इतनी स्कीमें लागू करते हैं, पता नहीं कहाँ जहाँ कागजों में ही लागू हो जाती हैं, जहाँ तो नगरोटा में तो कुछ दिखा नहीं। देखो जिन्हें गैल ही उस वेला खड़ी ही है, आज देखो छिड़क बनी हुई है, क्या हालत बनाई। और पानी की प्रॉब्लम जो है ये नगरोटा में शुरू से रही। पीछे देखिए तलाब की हालत, ये तलाब वो है साफ सुथरा होता, लोग पानी पिलाते हैं और आस पास पुंज नहाते भी है। छिड़क बनी हुई हालत बनाई, पानी तला अगड़ा चाहता है हूं पेड़ा जाला टैंप लगता। असल लोग कुछ जाना, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, गवर्नमेंट असि मतलब थले लाने लगी सिटी च लाया साड़ा, अब सिटी का फायदा को दिया रहे। पानी दिखो तो अठे अठे देने दसे दसे देने देंगे, असल लोग कुछ जाना। सारी बड़ी बुरी हालत है, इस वास्ते जिन्हें भी डिपार्टमेंट है ताई नगरोटे से भी ध्यान देन ताकि सारा किश हल हो मसला। आपकी जानकारी के लिए ये मैं ऑलरेडी मैंने बताना चाहता हूँ कि आप देखो नगरोटा जो है वार्ड नंबर 21 में आता है, 1 किलोमीटर लंबा रोड है और इसके साथ लिंक रोड्स भी हैं, लेकिन इस रोड का इतना बुरा हाल है कि हर महकमे ने जहां जो हमारा ये मोहल्ला है उसके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया है। जो भी फंड्स आते हैं वो मैं बोलता हूं कि उनकी जो एलोकेशन है वो एक बराबर नहीं होती है, हमें इक्वलिटी के साथ नहीं देखा जाता है। जिस वजह से क्या होता है, एक बाड़ में क्या होता है, मतलब दूसरी जगह पर 6-6 इंच लुक पड़ती है तो जहाँ तो 6-6 मैं समझता हूँ 1-1 इंच भी लुक नहीं पड़ती है जहाँ पर। और जो लुक एक बार पड़ी हुई थी 10-15 साल पहले वो हमने डलवाई थी सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर, तो वो भी जो है सीवरेज वालों ने उसको उखाड़ दिया है। पानी का कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर, और तालाब है जहाँ पर उसका बुरा हाल है, वो उधर गंदी गंद इकट्ठा होता है। तो ऐसे ही हर मोहल्ले में जो हमारा मोहल्ला है हर घर में पानी की जबरदस्त प्रॉब्लम है, और पानी की प्रॉब्लम जो है ये नगरोटा में शुरू से रही, लेकिन कई जगह पर ये रोज पानी देते हैं तो हमारे मोहल्ले में ना 8-8 दिन से भी 8-8 दिन के भी बाद जो है पानी जो है बड़ी मुश्किल से आता है। तो जिस वजह से प्राइवेट लोगों के धंधे बढ़ रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है किराया देते हैं और आप देखो फिर भी उनको टैंकर्स के थ्रू पानी लाना पड़ता है, ट्रालियों के थ्रू पानी लाना पड़ता है, 10-10, 15-15 हज़ार रुपया साल का खर्चा तो वहीं हो जाता है, 20-20 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, तो किराया देने का क्या फ़ायदा है। कहने का मतलब PHE वाले भी जितनी स्कीमें लागू करते हैं पता नहीं कहाँ जहाँ कागज़ों में ही लागू हो जाती हैं, जहाँ तो नगरोटा में तो कुछ दिखा नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है।